प्रिय, ओ प्रिय, पीछे मुड़कर देखो ना, प्रिय, ओ प्रिय, पीछे मुड़कर देखो ना। इस जंगल के रास्ते पर मुझे किसने पुकारा? ये सोचकर पीछे मुड़ते ही वो एक अजीब मूर्ति में परिवर्तित हो गया। तंत्र, शूद्र, मर्ग, कर्म, मैंने कपाली जैसी विद्याएं सीखी है। मुझे ही शिला में परिवर्तित करोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत? यक्रिया, चक्रिया, शत्रुक्रिया, लहो, यमह, क्षमा, समह, कपालिका, वशम। जैसे ही जंगल तांत्रिक ने मंत्र का पाठ किया, कमला भूत प्रकट हुई। तुम कौन हो? तुमने मुझे ही शिला में बदल दिया। क्या चांगव तांत्रिक को कोई खेल समझा है? मर। जब तांत्रिक ने अपनी मंत्र छड़ी से भूमि पर प्रहार किया, तो वहां एक बड़ा गड्ढा बन गया और उसने कांच के जाल में बंद कमला को बना दिया। कमला की आत्मा उस बेताल से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बाहर ना आने के कारण वहीं पे तड़प रही थी। चांगव तांत्रिक की भयंकर हंसी से भूतों के रास्ते में सारे भूत तांत्रिक को बिना देखे छिप जाते हैं। तांत्रिक अकेले ही गांव में गया, लेकिन गांव में कोई नहीं था। अंधेरे और सुनसान गांव में एक खंडहर घर में गया और गोपी से मिला। तांत्रिक, इसी पत्र के बारे में मैंने आपको बताया था। तांत्रिक गोपी द्वारा दिए गए तालपत्र को पढ़ता है और आश्चर्यचकित होकर, अकुरा की संपदा। हाँ हाँ तांत्रिक, अकुरा की संपदा, वो संपदा कहाँ है? केवल आप और आपकी शक्ति ही पता लगा सकती है। आखिर वो अकुरा कौन है? अकुरा की बात छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हें ये तालपत्र कहाँ से मिला? मेरे परदादा इसी गाँव के हैं, लेकिन मेरे पिता को ये गाँव पसंद नहीं था और महुआ से राजापुर प्रवासी बनकर चले गए। इस गाँव में हमारी एकमात्र संपत्ति ये घर ही बची है। इस घर को बेचने के विचार से इसकी सफाई करा रहा था, तो मेरे परदादा की तस्वीर के पीछे ये मिले। उसमें लिखा हुआ कुछ मेरी समझ की भाषा में है, लेकिन बाकी कौन सी भाषा में है ये समझ नहीं पाया। इस गांव के लोग अजीब अजीब से अंधविश्वासों पर ज्यादा यकीन करते हैं। अंधेरा होने पर भूत, पिशाच आएंगे, और इस गाँव में आने का एक ही रास्ता है, उस रास्ते को भी भूतों का रास्ता कहते हैं। अगर मैं ऐसे लोगों को इस तालपत्रों के बारे में बताऊं, तो मुझे ऐसे देखेंगे जैसे उन्होंने कोई भूत देखा हो, और तो वो और इस खजाने में हिस्सा भी मांगेंगे। इसीलिए मैंने आपको बुलवाया। अच्छा किया, मुझे इन तालपत्रों को अच्छे से पढ़ने दो। लेकिन गोपी, इस गांव के लोगों का कहना सत्य है, वो मार्ग वास्तव में भूतों का ही मार्ग है। चांगव तांत्रिक सारी रात दीपों की रोशनी में तालपत्रों को पढ़ रहा था और गोपी खर्राटे मारकर सो रहा था। गोपी, तुम्हारे गांव का वो रास्ता 900 साल पहले भूतिया रास्ता नहीं था, लेकिन कुछ विदेशी पर्यटन समुद्री मार्ग से नावों से आकर मैमोन का नौकर अकुरा के शिला को जंगल में दफना कर चले गए। मैमोन एक दुष्ट प्रेत आत्मा है, यदि उसके सामने घुटने टेकते हैं तो वो सोना देगी, लेकिन उसके सामने घुटने टेक कर उसका दास बनने वाले को सोना वर देकर उसे खून पीने वाला शिला बना देती है। इस तरह उसके 111 नौकरों में से आखिरी है अकुरा। अकुरा के शिला को रक्त की बलि देने से बदले में सोना उगलती है, लेकिन जिस स्थान पर वो होती है, वह शैतानों, भूतों, दुष्ट आत्मा, प्रेत आत्मा और राक्षसों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसी वजह से आज से 900 साल पहले विदेशियों ने उस अकुरा शिला को नाव में समुद्र पार कराकर अकुरा के शिला को जंगल में दफना कर चले गए। तब से ये जंगल का रास्ता भूतिया रास्ता बन गया है। उस समय सूर्य मुनि ने कोई भी भूत सरहद पार कर गांव में प्रवेश ना कर सके, इसके लिए अपनी तपोशक्ति की ऊर्जा से महिमा वंदित शक्ति चक्र स्थापित किया था।
गांव के चारों ओर रेखा भी स्थापित की। सूर्य मुनि की रक्षा रेखा महिमा के कारण भूत गांव की सरहद से आगे प्रवेश करने में असमर्थ है। इस गांव के लोगों से हमें क्या लेना देना? तालपत्रों के पहला दस्तावेज में द सीक्रेट ऑफ ट्रेजर करके लिखा है। वो खजाना अनंत है गोपी, यदि रक्त का बलिदान करोगे तो बदले में सोना उगलेगा अकुरा। लेकिन अकुरा शिला भूतों के मार्ग के भूगर्भ में है, गांव वालों की नजर बचाकर उसे नहीं निकाल सकते हैं। अगर हम निकाल भी लेंगे तो अंधेरा होने पर भूतों के रास्तों में भूतों के हाथों मारे जाएंगे। उसके लिए मेरे पास एक युक्ति है। तुम मुझसे हाथ मिला लो तांत्रिक, हम दोनों दुनिया में करोड़पति बन जाएंगे। तुम सोना ले लो, अकुरा की शक्ति मुझे चाहिए, मुझे और भी अधिक शक्तिशाली तांत्रिक बनना है। इस तरह दोनों ने हाथ मिलाया। अगले दिन गांव में दूरबुद्धि से सभा का आयोजन किया गया। इसी गांव में मेरे दादाजी बड़े हुए थे, इस गांव में कुछ समस्या है, ये जानकर मैं चांगल तांत्रिक को अपने साथ लेकर आया हूँ। ये भूतों के मार्ग की समस्या का हल निकालेंगे। क्या मंत्र जानने वाली बूढ़ी काकी और निशाची तांत्रिक से जो काम नहीं हुआ वो इस चांगल तांत्रिक से होगा? मैं अष्ट प्रेतों को अधीन करने वाला एक महान तांत्रिक हूँ, मेरे लिए आपके गांव के भूतों का मार्ग कुछ भी नहीं है। तो क्या अंधेरा होने के बाद भी उस रास्ते में घूम सकते हैं? केवल अंधेरा होने पर ही नहीं, बल्कि आधी रात को, देर रात को, जब चाहे तब घूम सकते हैं, बिना किसी डर के, बिना किसी संदेह के। तो अच्छा है, हम दूसरे गांव में भी व्यापार कर सकते हैं। स्वामी, आपको भगवान ने ही भेजा है, इतने दिनों बाद हमारे कष्ट दूर होने वाले हैं। लेकिन कैसे, हमें क्या करना होगा? चांगव तांत्रिक, अपने मंत्र जल से गांव में एक कुआं खोदकर उसमें से गांव के बाहर जाने का एक सुरंग खुदवाएंगे। इसका मतलब है कि हम अब से भूतों के रास्ते से नहीं जाएंगे, भूतों के रास्तों के नीचे के सुरंग से जाएंगे। हाँ प्रधान जी, जब अंधेरा होगा तो सुरंग से और दिन में भूतों की राह से। लेकिन उतनी बड़ी सुरंग खोदने में तो बहुत खर्चा आता है ना, उतना सारा पैसा अभी के अभी कहाँ से आएगा? आप पैसों की चिंता मत करो, क्या मैं अपने दादा परदादा के जन्मभूमि के लिए इतना नहीं कर सकता? सुरंग खोदने का सारा खर्चा मेरा है। गोपी बाबू तो भगवान है। उसी दिन रात को गोपी के घर में। तुम्हारी बुद्धिमता तारीफ के काबिल है, लेकिन 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 क्या तांत्रिक? इतने बड़े भूतों के रास्ते में अकुरा को कहां दफनाया गया है, ये जानने के लिए सेगल तंत्र करना होगा। सेगल तंत्र मतलब? बताता हूँ, पहले मुझे काली बिल्ली, शमशान में उगने वाली अकाल के फूल और उस जगह का कीचड़ जहाँ सुअर लौटते हैं लाकर दो। सेगल तंत्र का अर्थ है जहाँ सुअर लेटता है उस जगह के कीचड़ लाकर कब्रिस्तान में खेले अकाल के फूलों के रस को मिलाकर कपाली को बलि देने वाली काली बिल्ली के खून से एक ईंट बनाकर हम जिसे ढूंढ रहे हैं उसका मन में ध्यान करके उस ईंट को छोड़ देने पर वो हमें उस जगह को दिखाएगी। ईंट हिलती है ना, हिल नहीं रही? अगर कोई उसकी तरफ देखता है तो वो ईंट जैसी रहती है। ये तभी चलती है जब किसी की नजर उस पर नहीं पड़ती है। देखना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही गोपी ने आंखें बंद की ईंट चलने लगी और आंखें खोलते ही रुक गई। अंधेरा होने पर गांव के सभी लोगों के सोने के बाद ईंट चलने लगी। ईंट चलते हुए भूतों के रास्ते पर ताल के जोरमोट की तरफ बढ़ी और वहीं रुक गई। अगले दिन ईंट के नक्शे कदम का अनुसरण करते हुए भूतों के रास्ते पर जाकर देखने पर ताड़ के झुरमुट के पास सीकल ईट थी। इसके नीचे वो अकुरा का शिला है जिसकी हमें तलाश है, चलो कल से सुरंग की खुदाई करेंगे। अंधेरा हो रहा था, गांव में सभी बत्तियां बुझाकर दरवाजे बंद करके सोए थे, पूरा गांव सुनसान था। गांव का मुखिया घर में बैठे सोच रहा था। इतनी गंभीरता से क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं दुर्गा, कल भूतों के रास्तों में सुरंग खोद रहे हैं, मंत्र बूढ़ी काकी को खबर करना चाहिए।
लेकिन काकी शिमोगा गई है। अगले 3 महीने तक काकी नहीं लौटेगी। काकी को बिना बताए मैं सुरंग खुदवाना नहीं चाहता। गांव में सबकी सहमति है तो हम क्या कर सकते हैं जी? दरअसल बहुत समय पहले गोपी गांव छोड़कर चला गया था और अब अचानक गोपी का वापस आना और अपने ही खर्चे से सुरंग खुदवाना। शक की कोई बात नहीं, सब अच्छा ही होगा। अगले दिन सुबह होते ही अलग अलग गांव से 36 श्रमिक आए और गांव के सरहद में एक बड़ा कुआं खोदा गया और उसमें से सुरंग खोदने लगे। ठीक 60 दिनों बाद सुरंग खोद दिया गया। पहले तो लोग रात के समय उस सुरंग से जाने से डरते थे, लेकिन जो लोग उस सुरंग से आए उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो तब से वे आधी रात में भी उस सुरंग के रास्ते से आने लगे। गोपी ने सुरंग के दोनों ओर 2 पहरेदार रखे। सबसे नजर बचाकर गोपी ने सुरंग के अंदर कुछ कुलियों से ताड़ के झुरमुट की तरफ एक और रहस्यमय सुरंग खुदवाया। उन्होंने उस अकुरा शिला के लिए सुरंग के अंदर एक छोटा सा पीठम बनाया। उन्होंने दूसरे गांव के लोगों को काम के लिए रात में सुरंग में भेजा। सुरंग के बीच में उन लोगों की बलि देकर अकुरा के मुंह में खून डालते थे। कुछ समय बाद अकुरा के मुंह से सोने के सिक्के गिरते थे और गोपी इन सिक्कों को रहस्य से ले जाकर अपने घर में छिपा देता था। जंगव तांत्रिक उस सुरंग में अकुरा शिला की क्षुद्र पूजा करता था। नापरु आत्मा अवतारम बाट अनंतम जीवनम आवश्यक। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वह सोने के लालच में अकुरा की शक्तियों से अनजान इस सुरंग को खुदवा कर अकुरा को मुझे दिखाया। उन ताल पत्रों में से पहले 2 पन्ने इस गांव के पूर्वजों द्वारा लिखी गई थी और उसमें खजाने के बारे में हमारी भाषा में लिखा है। अन्य दस्तावेजों में अकुरा को नींद से कैसे जगाया जाए ये लिखा है। सिगल भाषा की जानकारी ना होने के कारण इस बेवकूफ को अकुरा की शक्ति का पता नहीं लगा और 8 लोगों की बलि देने पर अकुरा जाग जाएगा। गांव के सभी की बलि देकर मुझे अमरत्व का वरदान प्राप्त होगा। दिन बीत रहे थे। गांव वाले भूतों के रास्ते में सुरंग के रास्ते से आ रहे थे, लेकिन जो लोग गांव में आ रहे थे उन्हें अकुरा को बलि दे रहे थे वे दोनों। यदि कोई गांव से सुरंग में जाता है तो वहां पर पहरेदार एक रस्सी खींचता है और अकुरा के पीठम में हरे रंग की घंटी बजती है। अगर कोई गांव की तरफ आता है तो वहां का पहरेदार रस्सी खींचता है, तब अकुरा के पीठम में लाल रंग की घंटी बजती है। इस तरह घंटी की पहचान से किस दिशा में कौन आ रहा है ये जानकर बहुत से लोगों को अकुरा को बलि दे दिए। ऐसा जब चल रहा था तब एक रात सुरंग से अकेले मुरली अपने बेटे के लिए हाथ में एक गुब्बारे लेकर आ रहा था। गुब्बारे की रस्सी टूट जाने पर गुब्बारा जाकर सुरंग के ऊपर चिपक गया। अरे गुब्बारा उड़ गया, अब कैसे? अगर मैं बिना गुब्बारे लिए घर जाऊंगा तो मेरा बेटा घर को सिर पे उठा लेगा। ऐसा सोचकर एक पत्थर उठाकर गुब्बारे की ओर फेंका तो वो जाकर सुरंग के ऊपर टकराया और वहां की मिट्टी टूट कर नीचे गिर गई। ऊपर मिट्टी में कुछ चमक रहा था। ये हीरे के टुकड़े जैसा है, ऐसा कहते हुए उसने और बड़े पत्थर से मारते ही कांच का जार नीचे गिरकर टूट गया। उसमें से कमला भूत को बाहर निकलते देखकर वह पल भर भी बिना रोके गांव की तरफ दौड़ पड़ा। भूत, भूत, भूत! चिल्लाते हुए वो गांव में भाग गया। जैसे ही कांच का जार गिरा, भूतों के रास्ते से सुरंग में गड्ढा बन गया और जो भूत भूतों के रास्ते में थे वे एक एक करके सुरंग में आ गए। पहरेदारों को मार डाला और कुएं के रास्ते से एक एक करके गांव में आ गए। कोई बाहर मत आना, कोई बाहर मत आना, भूतों के रास्तों के सुरंग से भूत निकल कर आ रहे हैं। इस तरह भागते हुए चिल्ला रहे मुरली को एक पैर वाले भूत ने मार डाला और उसके गले को गांव के एक पेड़ पर लटका दिया। जब सुबह हुई
तो सारे भूत सुरंग के कुएं में कूद कर गायब हो गए। जब सूर्य देव पूरी तरह से उदित हो गए तब गांव के सभी लोग इकट्ठे हुए। गोपी ने जो किया था उसके कारण गांव के सभी लोग खतरे में पड़ गए थे। ऐसा सोचकर वे गांव छोड़कर चले जाने का निश्चय किए। गांव छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो अंधेरा होने से पहले मारे जाओगे। तो क्या सुरंग में तांत्रिक भी मर गया? वो मरे या जिए इसमें मुझे क्या, मुझे अपने घर में पड़े सोने की पोटलियों को किसी भी तरह इस गांव से ले जाना है। तभी गोपी को मंत्र वाली बूढ़ी काकी दिखी। रुको गोपी, कहाँ जा रहे हो? इसके बिना उस अकुरा को नहीं रोक सकते, इसे बिना हिले उस पेड़ से बांध दो। काकी के कहने पर गोपी को पेड़ से बांध दिया गया। काकी को देखकर सबको हिम्मत आई। काकी, तुम गोपी को पहले से ही जानती हो, अकुरा कौन है? जब मैं गांव में आ रही थी तो भूतों के मार्ग के मध्य में सुरंग का मार्ग दिखाई दिया। ये सुरंग क्या है? महुआ में क्या हो रहा है? ये सोचकर काकी सुरंग के रास्ते से जा रही थी कि दिन के समय में अंधेरे में भूतों को संचार करते हुए देखा। प्रिया, ओ प्रिया, पीछे मुड़कर देखो ना। बंद करो अपनी चुलबुली बातें, दरअसल तुम सब इस सुरंग में कैसे आए? प्रिय, ओ प्रिय, पीछे मुड़कर देखो ना। गांव की शुरुआत में सुरंग को बंद करो और बड़े पत्थरों से एक दीवार बनाओ। इस तरह कमला भूत ने सारी बात काकी को बताई। गुप्त सुरंग का द्वार खोलकर काकी ने तांत्रिक का मंत्र छड़ी को तोड़ दिया। तुरंत सभी भूतों ने चांगव तांत्रिक को मार डाला। अब कैसे काकी, अंधेरा होने पर वो भूत कुएं से गांव में आ जाएंगे। अगर अकुरा जाग गया तो अब तक गांव में सारे लोग मर चुके होते। काकी के कहे अनुसार कुछ लोगों ने जाकर दीवार बना दिया। अकुरा को बलि देकर जो सोना हासिल किया गया था उसे सुरंग के कुएं में डालकर अंधेरा होते समय गोपी को भी उसी कुएं में धकेल कर कुएं को बंद कर दिया गया। सुरंग में भूतों के हाथों गोपी भी मारा गया। अगर अकुरा जाग गया होता तो सारे गांव वाले अब तक मर गए होते। हमसे गलती हो गई, हमें आपका इंतजार करना चाहिए था। गोपी की बातों में आकर सुरंग नहीं खुदवाना चाहिए था। जो गड्ढा खोदता है खुद अपने ही गड्ढे में गिर जाता है। 900 साल पहले सूर्य मुनि द्वारा बनाए गए सरहद रेखा को काकी ने पुनः स्थापित किया। लेकिन काकी इस बात से अनजान थी कि भूतों के मार्ग से सुरंग तक जाने वाला रास्ता है। सुरंग के सारे भूत फिर से भूतिया मार्ग में आ गए। अगली सुबह अपने गांव को जाते समय काकी ने उस गड्ढे को देखा और उसने ग्राम प्रधान से कहकर उसे ढकवा दिया।